Oh wow! As oh wow! She is so pretty and confident. अच्छा है ना? बहन किसकी है? आपका फेस मैट, मतलब अच्छे से एक मैट, क्या बोलते हैं, ब्रशेस की क्वालिटी बहुत, ब्रशेस ब्रशेस की क्वालिटी काफी अच्छी है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सृष्टि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू ऑलरेडी सॉ बाय द थंबनेल एंड रेड बाय द टाइटल की व्हाट वी आर डूइंग टुडे, सो वी आर बैक विद अनदर जूडियो वीडियो। एंड आई नो यू गाइज लव वॉचिंग माई जूडियो वीडियोज, जूडियो रिलेटेड वीडियोज, मेकअप रिलेटेड वीडियोज, सो हियर आई एम विद अनदर वीडियो। एंड एज यू कैन सी माई खुशी, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड ये वीडियो में मैं ऑलमोस्ट जो वो इसके पहले मैंने पार्ट वन पार्ट टू जूडियो ट्राइंग न्यू मेकअप प्रोडक्ट बाई जूडियो समथिंग मैंने ऐसा बनाया था वीडियो, तो वो वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था मुझे। और तो अभी काफ़ी प्रोडक्ट्स चेंज हो चुके हैं, न्यू मार्केट में प्रोडक्ट्स आए हैं, तो वही आज मैं वीडियो में आपको बताऊंगी। कुछ प्रोडक्ट को मैंने रीपर्चेस किया है, कुछ प्रोडक्ट्स मैंने न्यू लॉन्च प्रोडक्ट, मतलब जो न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है मैंने वो भी खरीदे हैं, एंड कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे पसंद नहीं आए हैं। मतलब पहले कुछ अलग ओपिनियन था और अभी कुछ अलग ओपिनियन होगा मेरा, क्योंकि वो टाइम मैंने फर्स्ट इंप्रेशन दिया था। एंड ये वीडियो में मतलब मैं अभी उसको यूज़ करते आ रही हूँ, तो अभी मैं कैसा फील करती हूँ वो प्रोडक्ट्स के लिए। एंड आप मेरी रिकमेंडेशन पे आपने काफ़ी लोगों ने वो प्रोडक्ट्स खरीदे और आपने कमेंट में मतलब आके वीडियोस में आके कमेंट किया कि या वी परचेज दिस एंड दैट एंड लाइक वी लविंग दिस प्रोडक्ट या वी आर एंजॉयिंग दिस प्रोडक्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स एंड कि आप जाके खरीद रहे हो एंड आप मुझे आके भी बता रहे हो, सो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो हियर आई एम विद अनदर वीडियो। बाय द वे दिस ड्रेस इज फ्रॉम जूडियो ओनली, मैंने जो नेल पेंट लगाई है वो भी मैंने जूडियो से ही लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक हॉल वीडियो मिल जाएगा जहाँ पे मैंने ये कितना प्राइस है, मतलब सारे और भी मतलब जूडियो शॉपिंग हॉल है, तो वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिल जाएगा। अगर कोई चीज़ का रिव्यू आपको ये वीडियो में नहीं मिला है तो वहाँ पे आपको इन डेप्थ रिव्यू मिल जाएगा या शॉर्ट्स में मिल जाएगा। सो या एंड वन मोर डिस्क्लेमर कि अगर कुछ प्रोडक्ट अगर मुझे पसंद नहीं आए है, सो दैट्स माय ओपिनियन। और कुछ लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े थे कि ये तो काफ़ी अच्छा है, ऐसा है वैसा है, सो इट्स जस्ट कि वही प्राइस में मुझे सिमिलर प्रोडक्ट और मार्केट में और अच्छे क्वालिटी में मिल रहा है। तो मेरा सो यही है कि आप थोड़ा मतलब मुझे मेरे पास इतना अच्छा प्रोडक्ट है वही प्राइस में, तो मैं क्यों ये प्रोडक्ट यूज करूँ या आपको रेकमेंड करूँ। सो या एंड वी आर वेरी क्लोज टू 1K सब्सक्राइबर्स, सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड शेयर द वीडियो। मुझे और एक चीज़ बतानी है कि जूडियो ऑनलाइन नहीं है, लाइक ऑनलाइन वेबसाइट पे या उनका अलग से ऐप नहीं है, आपको ऑफलाइन ही वो जूडियो के प्रोडक्ट्स लेने जाना पड़ेगा स्टोर पे। सो या दैट इज दैट, सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो। आई वॉश माई फेस यूजिंग दिस फेस वॉश बाई जूडियो इन द वेरियंट सिट्रस एंड एज यू ऑल कैन सी हाउ मच आई यूज दिस प्रोडक्ट, सो इट्स वेरी अफोर्डेबल। I have mixed review about this product because first of all this is very inexpensive, like cheap और बहुत अच्छी quantity में है। and जब भी मैं ये product को लगाती हूँ, like मैं face wash करती हूँ, तभी I feel very fresh and like मुझे ऐसा लगता है कि अंदर से मेरी स्किन अच्छे से क्लीन हो चुकी है। बट इतना सस्ता देख के मैं थोड़ा सा मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि मैं यूज़ करूँ या नहीं करूँ। मैंने यहाँ तक यूज़ किया था उसको, देन मैंने छोड़ दिया, मुझे उसका रिव्यू देना था इसलिए। और फिर मैंने इतना यूज़ किया जो मेरी मेकअप ब्रशेज को क्लीन करने के लिए, तभी मैंने यही फेस वॉश यूज़ किया। सो आज भी मैंने ये फेस वॉश यूज़ किया है, बहुत अच्छा है, ज़रा भी ब्रेकआउट नहीं होता है। आई हैव ड्राई स्किन और इसने थोड़ा भी मतलब मेरी स्किन को ड्राई नहीं किया है। ये फेस वॉश यूज़ करने के बाद आपको बहुत फ्रेश फील होगा और क्लीन भी फेस लगेगा। ये आपके ऊपर है कि आपको ये खरीदना है या नहीं, बट आई लाइक दिस प्रोडक्ट। और या सो और इसमें और भी सारी वेरियंट्स है। सो देन मूविंग ऑन टू लिप बाम, सो फॉर लिप बाम आई हैव दिस वेरी क्यूट लिप बाम, इज जस्ट रिटेल फॉर 25 और 30 रुपीज़। और ये मैंने मिंट फ्लेवर में लिया है और ऑब्वियस रीज़न है, ये मैंने पैकेजिंग देख के ही लिया है। बहुत क्यूट सी मार्शमेलो यहाँ पे बने हुए हैं एंड ये ब्लू कलर का लिप बाम है। पहले ना इसमें से थोड़ी सी मेडिसिन टाइप स्मेल आती थी, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है और थोड़ा सा चौकी चौकी स्मेल कुछ आती है और इट्स नॉट टू वेरी थिक और थिन, इन बिटवीन है और काफ़ी नरिशिंग है। सो या सो एज यू ऑल नो कि हमारे पास प्राइमर नहीं है, मतलब जूडियो का प्राइमर नहीं होता है। मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं क्या? नहीं ना, ठीक है, कोई बात नहीं। और मेरा फेस भी देख सकते हो, बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट हो चुका है मेरे फेस पे,
मतलब इसका मेकअप का कोई रीजन नहीं है, पहली बात मैं बता दूंगी कि ये मेकअप की वजह से नहीं है, इट्स जस्ट कि मेरी लाइफस्टाइल थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो गई है, अच्छे से खाना, टाइम पे सोना कुछ नहीं है, सो दैट वो रीजन है, मेकअप का कोई भी रीजन नहीं है। सो प्लीज आप कॉमेंट में ऐसा नहीं बोलना कि इतना मेकअप करती हो एंड ऑल। सो या नाउ वी गोना यूज दिस बीबी क्रीम, और एज यू ऑल नो मैंने काफी बार रिव्यू मैंने दिया है, बट ये अभी मैं काफी टाइम के बाद यूज करूंगी, जब भी मैंने यूज किया सिर्फ वीडियो में ही यूज किया है और मैंने कभी इसको यूज नहीं किया उसके अलावा। सो आज हम फिर से यूज करेंगे एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। कोई भी अदर टूल्स यूज नहीं करूंगी, जो भी स्टूडियो के ही ब्रशेज है, स्पॉन्ज है, मैं वही यूज करूंगी। एंड ये स्पॉन्ज और आपने देखा है कि मैंने यूज किया है, और ये तभी यूज किया, उसके पहले मैंने स्टूडियो रिलेटेड वीडियो बनाया था तभी मैंने कहा था कि ये मुझे वर्थ नहीं लगता है परचेस करना। सो दिस इज द साइज ऑफ दिस ब्यूटी ब्लेंडर, इसमें भी अलग अलग कलर्स हैं, तो अभी हम इसको वेट करके आते हैं, देन वी विल सी के हाउ इट परफॉर्म्स, बिकॉज मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है। सो लेट्स ट्राई इट। ये कुछ इतना बड़ा हो गया है आफ्टर, मतलब मैंने उसको वेट करके आई हूँ, एंड दिस इज द साइज। सॉफ्ट है बट नॉट दैट मच सॉफ्ट, मतलब इतना भी सॉफ्ट नहीं हुआ है। बहुत लोग हैं जिनको ये ब्यूटी ब्लेंडर अच्छा लगा है, बट आई कैन सी, ये मेरा ओपिनियन है क्योंकि मैंने ऐसे ही प्राइस रेंज में ऑलमोस्ट 20-30 ज्यादा दे के इससे और बेहतर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर्स यूज किया है, इसीलिए मैं इसको इतना प्रिफर नहीं करती हूँ लगाना। और मैंने बहुत अच्छा फुल पंप लिया है, इसको थोड़ा सा वार्म करूंगी एंड मैं अप्लाई करूंगी। अभी वो टाइम तो मेरी स्किन काफी क्लियर थी, सो हम देखेंगे कि ये थोड़ी एक्नी प्रोन स्किन पे कैसा वर्क करता है। As you can see, it's very dewy, you know? और in my opinion, ये काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कर रहा है ये ब्यूटी ब्लेंडर, क्योंकि जितना मुझे पता है कि इसकी और अच्छी खासी कवरेज थी, तो मैं इसको पहले हाथ से ब्लेंड करूँगी और फिर अच्छे से टैप करूँगी। सी अभी हमें थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, बट हमें और कवरेज चाहिए, तो मैं और थोड़ा सा प्रोडक्ट लूँगी एंड हम देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं, क्योंकि ये ब्लेंडर काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है प्रोडक्ट को और बहुत अच्छा शेप है, इससे आप बेकिंग कर सकते हो ये, और बहुत इजीली आपके इनर कॉर्नर्स में जा रहा है, मतलब अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। एंड आई डोंट थिंक, पता नहीं क्यों मुझे ये ब्यूटी ब्लेंडर के वजह से मुझे इतनी कवरेज नहीं मिल रही है या क्या, क्योंकि इसके पहले मैंने जब यूज़ किया था इसको तो बहुत अच्छी कवरेज थी इसमें, नाउ आई डोंट नो। और अभी कुछ मतलब मुझे इतना वाव नहीं लग रहा है, मज़ा नहीं आ रही मेरे को, बट थोड़ा सा ड्यूई लग रहा है और थोड़ा सा ब्राइट लग रहा है, आई डोंट नो वॉट इज It's actually does, but yeah. Then I'll use this powder by Zodio. I use this powder, and as you can see, or as you all know, how much I love this powder. And this is my repurchase. मैंने empty products में भी बताया था, and बहुत अच्छा है. और ये dry skin के लिए, oily skin के लिए, सब skin skin type के लिए ये suitable है. So this is क्योंकि I have dry skin और मेरी काफ़ी ज़्यादा ड्राई स्किन है और ये ज़रा भी मेरी स्किन को ड्राई नहीं करता है। मैंने अभी काफ़ी लोगों की वीडियोस देखी हो और मैंने एक यूट्यूबर को देखा, बहुत नॉन यूट्यूबर है, उन्होंने कहा कि ये ड्राई स्किन के लिए इतना अच्छा नहीं है, बट मेरी ड्राई स्किन है और ये थोड़ा भी मतलब मैं कलर पाउडर यूज़ करती हूँ और उसके ऊपर इससे सेट करती हूँ, पूरा फेस मैट कर देता है, लाइक केकी पैच ही नहीं बनाता, मतलब जो एक्स्ट्रा शाइन, एक्स्ट्रा ऑयल जो आपके फेस पर रहेगा उसको अच्छे से लाइक मैट फिनिश दे देगा एंड आपकी स्किन विद इन ग्लो करती है। सो या वो हमारे जो कौन सा भी एक स्टोन, जो रोलर स्टोन वायरल हुआ था ना, ये खुल नहीं रहा है, सेम वैसा ही वर्क करता है ये, तो निकालना है, कैप पे लूंगी। वी हैव न्यू ब्रशेज, सो इसमें एक सिल्वर एंड गोल्ड कलर में आता है एंड वी हैव टू ब्रशेज एंड इट्स जस्ट रिटेल फॉर 149 ओनली। सो ये कुछ ऐसे दिखते हैं, सो वी हैव वन फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश एंड वी हैव वन
फ्लफी कॉन्टोरिंग ब्लश, और सिर्फ इतना सा मुझे था कि आप ये ब्रश को थोड़ा सा और वॉल्यूम दे देते तो मतलब और अच्छा होता, कि थोड़ा सा ये फ्लफी रहता तो बहुत अच्छा होता. बाय द वे क्वालिटी इज अमेजिंग. सिर्फ एक वन कंसर्न था कि इसको थोड़ा सा और फ्लफी बना दो, और इसमें यहाँ पे जो सिल्वर कलर है वहाँ पे गोल्ड कलर भी अवेलेबल है. सो या एंड बहुत सॉफ्ट है, तो मैं वही सोच रही हूँ कि मैं कैसे करूँ. सो मैं आई गेस मैं बेक कर लेती हूँ, और ये तो गिल्ला हो चुका है मेरा स्पंज. लेट्स ट्राई, फिर भी हम ट्राई करेंगे, देखेंगे. वो गिला गिला लग रहा है मुझे थोड़ा सा, मतलब हमारे पास तो कुछ ऐसा है नहीं, मुझे ऐसा डिफरेंस देखना है. मतलब ये एक ट्रांसल्यूसेंट पाउडर है, तो इसमें कोई कलर भी नहीं है ना, ये फेस को व्हाइट कर रहा है. आपका फेस मैट हो जाएगा, और मैं दूसरी साइड ब्रश की हेल्प से ही सेट करूंगी. सी कितना इजीली ये मैट हो जा रहा है, मतलब जो एक्स्ट्रा शाइन है फेस पे. इट्स रियली नाइस. और फिर नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास ब्लश नहीं था, बट ये वीडियो में हमारे पास ब्लश है. सो ये एक ही अवेलेबल था शेड, सो मैंने ये शेड लिया. इसके पहले जब मैं गई थी तो पर्पल कलर था, एंड आई डोंट थिंक कि वो मुझे पसंद है पर्सनली कलर, और मेरे स्किन टोन पे भी इतना अच्छा नहीं लगता. सो मैं अभी रिसेंटली गई थी ज़ूडियो, एंड आई गॉट दिस ब्लश और दिस इन दिस शेड डेजर्ट रोज, एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है ये कलर. दिस दिस शेड, मैं आपको स्वॉच बता देती हूँ इसका. वाओ, सी वेरी पिगमेंटेड. तो हम पहले लाइट हैंड से ही इसको अप्लाई करेंगे लगाना. मैंने ब्रश पे लिया एक्स्ट्रा जो भी रहेगा, एंड वाओ, मतलब ज़्यादा भी नहीं लगाना है आप, मतलब अगर आप उसको अच्छे से मतलब ऐसे दो तीन बार ऐसे करोगे और लगाओगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और बहुत लाइट हैंड ही आपको यूज़ करना है, लेना है. और मैं थोड़ा सा हाथ के पीछे लूँगी और फिर अप्लाई करूँगी, तो वो ज़्यादा नहीं लगेगा. और आई गेस ये काफ़ी अच्छा ब्रश है, मतलब मैं इसको ऐसे ले रही हूँ और फिर ऐसे प्लेस कर रही हूँ, तो उसको जहाँ पे एक्चुअल में यूज़ करना है, लगाना है प्रोडक्ट को, वहीं पे ही वो प्रोडक्ट अप्लाई हो रहा है. सो ये मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है. पहले हमने लिपस्टिक यूज़ करी थी, बट ये वीडियो में वी हैव ब्लश, एंड ये काफ़ी सुंदर सा ब्लश है, मतलब आप ट्राई कर सकते हो ये ब्लश को. एंड या एंड फॉर ब्राउज अगेन वी डोंट हैव एनीथिंग. सो हमने पहले वाले वीडियो में मस्कारा ट्राई किया था, बट वो मस्कारा अभी आई गेस मेरा ख़त्म, आई गेस नॉट, वो मस्कारा मेरा ख़त्म हो चुका है. एंड उन्होंने भी वो मस्कारा बनाना बंद कर दिया है. सो आई गॉट दिस मस्कारा, ये न्यू मस्कारा है, और इट सेज वॉल्यूमनाइजिंग लेंथनिंग मस्कारा, इट इज़ अ वाटर प्रूफ मस्कारा. पहले वाला वाटर प्रूफ नहीं था, बट दिस इज़ अ वाटर प्रूफ मस्कारा. एंड वो वाला वाइट एंड ब्लैक पैकेजिंग में था, बट इट्स ये वाला काफ़ी वाइट है, लाइक वेरी स्लीक पैकेजिंग. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट. So this is the bottle, and as you can see, this is very luxurious. ये product काफ़ी luxurious लग रहा है, बहुत महंगा लग रहा है, but it is not, and it's retail for $199 only, and काफ़ी अच्छा है. So let's try it. मैं first time try करूँगी ये mascara. Oh wow! See the like shape of this brush, मतलब काफ़ी अलग है, like बहुत अच्छे से. It's a different kind of brush and I really like it, so let's try it. इसको मैं मेरे ब्राउज के ऊपर लगाऊंगी, मतलब ज़्यादा एक प्रोडक्ट रहेगा उसको निकाल दूंगी. सूखा सूखा लग रहा है ये मस्कारा, सूख गया है मुझे एक्सपायर मस्कारा मिला, पंटाजो. ये न्यू ही मस्कारा है, बट ये बहुत ड्राई ड्राई है. देखते हैं, अभी मैंने अभी तक लैश पे मतलब मैंने ट्राई नहीं किया था, आपके सामने ही मैंने इसको खोला है. सो अभी आपने देखा कि आई शेडो पैलेट अवेलेबल है, बट जैसे कि मैंने पहले बोला कि वो वर्थ नहीं करता है, क्योंकि चार शेड्स है और सारे शिमर शेड्स है, और एक भी मैट शेड नहीं है उसमें, और काफ़ी कलर रेंज बहुत अलग है, और
मुझे जरा भी पसंद नहीं आया, और किसी का भी आई गेस रिव्यू किसी को भी पसंद नहीं आया वो पैलेट, और वो 199 में है, और मार्केट में इससे काफी ज्यादा अच्छी अच्छी पैलेट्स आपको मिल जाएंगी स्विस ब्यूटी मास कॉस्मेटिक्स SFR, तो आप वो पैलेट ट्राई कर सकते हो. बट आई डोंट थिंक सो कि ज़ोडियो की आई शेडो पैलेट वर्थ करती है. मैं ये ब्लश को ही एज अ आई शेडो यूज करूंगी हल्का सा कॉर्नर से. मैं सिर्फ इसको इनर कॉर्नर में प्लेस करूंगी. ये काफी पिगमेंटेड है, अगर आप इसके ऊपर कंसीलर लगाओगे या आई शेडो प्राइमर यूज करोगे तो ये बहुत अच्छे से इसका कलर पे ऑफ दिखेगा आपको. अभी भी काफी सुंदर लग रहा है, मुझे इसको ऐसे यूज करना है. एंड या इट्स लुकिंग क्वाइट गुड. एंड मूविंग ऑन टू आई लाइनर्स, सो I have this green eyeliner. ये मैंने आपको बता दिया है पहले ही, सिर्फ इसकी मुझे पैकेजिंग जो आपको पता है कि अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि इसका ऐसे निकल जाता है कैप. तो सो दिस इज द शेड, दिस इज अ ग्रीन शेड, और एक बहुत फाइन टिप है. मतलब एज यू कैन सी आप बहुत अच्छे से इसका विंग लाइनर ड्रॉ कर सकते हो. इसमें काफ़ी सारे शेड्स हैं, मैंने ग्रीन शेड लिया था, यस ग्रीन शेड. एंड ये दिस इज द न्यू परचेज, एंड इसकी पैकेजिंग सेम ही है गेस. या तो ये मेरा ब्लैक आईलाइनर है. वाओ, सो दिस इज़ दी आउट ऑफ पैकेजिंग. ये मुझे ये सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी ऐसे लगते हैं कि लग्जूरियस है. सो या एंड इसकी भी टिप आप देख सकते हो काफ़ी पतली, और इसका जो हैंडल है कैप है बहुत अच्छे से होल्ड, मतलब आप अच्छे से उसको होल्ड कर सकते हो, देन आप यूज़ करो एंड बहुत अच्छे से आपका विंग लाइनर ड्रॉ होगा. सी मैंने यहाँ पे थिक और थिन दोनों लाइन ड्रॉ करी है, तो एज यू कैन सी कितना प्रिसाइज लाइनर आप इससे ड्रॉ कर सकते हो, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है. हम आई लाइनर को स्किप करते हैं, एंड आई हैव 3 काजल्स फ्रॉम ज़ोडियो. सो ये भी न्यू परचेस है. सबसे पहले मैंने आपको ब्लैक एंड ब्राउन दोनों काजल बताया था, तो ये वीडियो में हम ब्लू काजल यूज़ करेंगे. मैं आपको स्वॉच बता देती हूँ, और ये काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है और स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, तो मैंने इनको यूज़ किया है तो आई नो कि कैसे परफॉर्म करते, बिकॉज मैं इनको सब शोज़ में यूज़ कर चुकी हूँ. मतलब डांसिंग शोज इवेंट्स में यूज़ करती हूँ, शूट्स में यूज़ करती हूँ. सो ये ज़रा भी मतलब स्मज नहीं होते हैं, काफ़ी सुंदर है. मैं जहाँ पे वाटर लाइन में लगाती हूँ तो हमारे कैसे पांडा आइज बन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है ये. और मैंने और पता नहीं कि मैंने अभी रिसेंटली मैं नाम लेना चाहिए नहीं, बट मैंने निधि कटियार का वीडियो देखा, एंड उन्होंने मतलब उनको ना पाउडर पसंद आया, ना लिपस्टिक्स पसंद आई, ना काजल पसंद आया, उनको कुछ पसंद नहीं आया. मतलब कैसे, क्योंकि वो लिपस्टिक्स काफ़ी अच्छी है, पाउडर काफ़ी अच्छा है, काजल तो काफ़ी सुंदर है. मतलब पिगमेंटेशन आप एज यू कैन सी, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, 1 स्ट्रोक पिगमेंटेशन है सारे काजल्स में, तो उनको कैसे पसंद नहीं आया वो मुझे पता नहीं है. और उनका मतलब उनका था कि बहुत वैक्सी है एंड पता नहीं, बट ये मुझे काफ़ी पसंद आया है. और मैंने जहाँ पे भी जितने लोगों को फर्स्ट वीडियो में रेकमेंड किया था, सब लोग ने बोला कि वी लव दिस प्रोडक्ट, कि उनको पाउडर पसंद आया, मस्कारा पसंद आया एंड काजल पसंद आया. सो आई डोंट नो, या लेट्स अभी हम ये काजल ट्राई करते हैं, ब्लू काजल. आई एम वेरी एक्साइटेड. हाँ, मेरे को ज़्यादा वो एफर्ट्स डालने की भी ज़रूरत नहीं है. मैंने काजल लगा दिया है एंड एज यू कैन सी इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी. मतलब आप कुछ भी मत करो, ऐसा कलरफुल काजल्स के साथ आप मतलब आई लुक क्रिएट करो, बहुत डिफरेंट सा, मतलब ऐसा एफर्टलेसली एफर्ट लुक लगता है. आई गेस मैंने कुछ करेक्ट बोला है नहीं बोला. अभी मैं आपको बता देती हूँ, लाइनर वाटर प्रूफ है, लाइनर इज वाटर प्रूफ. एंड माय गॉड, सी माय काजल इज स्मज प्रूफ. तो आप अगर ऐसे बोलोगे, देखो हल्का हल्का इतना सा पे ऑफ मिला है, बट सी मैं क्लोजअप भी दे देती हूँ. आप इसको यूज़ कर सकते हो, और काजल आप अगर लगाते हो तो उसके नीचे वही कलर या उससे थोड़ा सा लाइट कलर लेके उसको अच्छे से पैट करो उसके ऊपर कलर, तो वो कलर वहाँ का वहाँ पे रहेगा. जैसे हम फाउंडेशन को पाउडर से सेट करते हैं, क्रीम ब्लश को पाउडर ब्लश से सेट करते हैं, वैसे ही हमें काजल को भी वही ब्लैक आई शेडो या ब्राउन आई शेडो से आप उसको सेट कर सकते हो. मतलब सेट करना चाहिए. As you can see, the liner is waterproof, smudge proof, and मतलब smudge proof है तो waterproof भी रहेगा, and काजल is also smudge proof. So yeah, I highly recommend this video, highly recommend this products to you. So now we will apply this mascara, and I'm very scared because I'm like I don't feel good, क्योंकि मुझे बहुत खाली खाली सा लग रहा है, but close up में आके हम लगाते हैं. Oh wow, Oh wow.
सी एज यू कैन सी, मतलब ये बिफोर है, ये आफ्टर है, इसने काफी ज्यादा वॉल्यूम और लेंथ दिया है। ये मुझे खाली खाली लग रहा था कि मुझे लगा कि वर्क नहीं करेगा, बट ये एक्चुअल में काफी ज्यादा अच्छा है प्रीवियस मस्कारा से। एंड इसका जो शेप है ना वो काफी अच्छा है, और मतलब एज अ क्वांटिटी काफी कम है, बट 200 में भी ठीक है। बट जैसी फिनिशिंग दे रहा है, जैसा ये वर्क कर रहा है, काफी अच्छा है। पैकेजिंग काफी सुंदर है, और ये ब्रश का जो शेप है वो भी काफी अच्छा है। ओवरऑल आई रियली लव दिस मस्कारा, और ये सिर्फ वन कोट ही है। शुड वी ट्राई कि हम उसको दूसरा कोट लगा के देखते हैं और ये क्लम्पी हो रहा है या नहीं? बिल्कुल नहीं हो रहा, काफी अच्छा लग रहा है मुझे मस्कारा। न्यू मस्कारा ट्राई करना है तो यू कैन गो विद दिस मस्कारा, क्योंकि ये काफी ज्यादा सुंदर है। As you can see my lashes. Wow, I really love it. ये मस्कारा भी मेरा फेवरेट हो चुका है, पहले मुझे वो वाला पसंद था बट ये वाला काफी सुंदर है। देन मूविंग ऑन टू लिपस्टिक द फाइनल पार्ट, माई गॉड वीडियो एंड होने आया है। सो लिपस्टिक, सो वी हैव दिस थ्री लिपस्टिक्स, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है। सो ये डार्क पिंक शेड है, ये ब्राउन शेड है, एंड दिस इज द लाइट पिंक न्यूड सॉर्ट ऑफ शेड। सो दिस इज द मॉव मिस्ट्री, मैं आपको स्वॉच बताती हूँ इसका। एज यू कैन सी सो प्रिटी, दिस इज अ मॉविश शेड एंड इट्स कॉल्ड मॉव मिस्ट्री। एंड नेक्स्ट, वाओ दिस इज अ परफेक्ट न्यूड पिंक कलर, आपको अगर न्यूड कलर चाहिए। सो दिस इज द बेयर मी शेड, एंड काफी प्रिटी है ये, काफी ज्यादा प्रिटी है। एंड नेक्स्ट इज द ब्राउन शेड, इट्स लाइक कॉफी चॉकलेट ब्राउन शेड, और इनकी पिगमेंटेशन भी काफी ज्यादा है। सो इट्स द नेम ऑफ द शेड इज कोको क्रेव, कोको क्रेव। एंड आप देख सकते हो तीनों भी शेड्स काफी सुंदर है, तो अगर आप मीडियम टू डस्की स्किन टोन में है तो ये दोनों शेड्स काफी सुंदर लगेंगे। एंड लाइट टू मीडियम स्किन टोन के लिए ये न्यूड शेड है जो काफी अच्छा है। आई गेस मुझे ये न्यूड शेड, पहले मैं ये डार्क पिंक शेड लगाती हूँ, और इसका कुछ ऐसा एप्लीकेटर है, एप्लीकेटर थोड़ा सा हार्श है बट या सी वाओ, फॉर्मूला काफी कंफर्टेबल है लिप्स पे। एंड देन मैं ये लाइट शेड लूंगी एंड मैं सेंटर में ये शेड अप्लाई करूंगी, तो इसको हम थोड़ा सा टाइम देते हैं, मेरे को देखना है कि ये कैसा ड्राई होने के बाद दिखता है। सो इसको हम ड्राई होने देते हैं, तब तक आई शो यू दिस लिप ग्लॉस। सो दिस इन दिस शेड पिंक क्रिस्टल, तो आपको ऐसा लगता रहेगा कि ये पिंक है, पिंक रहेगा, बट नो एज यू कैन सी ये ट्रांसपेरेंट है। तो जब मैं लेने गई थी तो मैंने वहाँ पे ट्रांसपेरेंट और पिंक दोनों ले लिया था, बट अच्छा हुआ कि मैंने वहाँ पे स्पॉच किया, बिकॉज तब मुझे पता चला कि ये भी क्लियर है, तो मैंने फिर वो रख दिया। सो ये क्लियर ही है, मतलब इसमें थोड़ा सा पिंक ग्लिटर्स है, स्पार्कल्स है आज, ओके मतलब जितना भी वेट पार्ट था ना, आप उसको अगर ड्राई होने तक आप वेट कर सकते हो, उसके बाद ये लिपस्टिक सी ये वाला नहीं यहाँ पे, उसके बाद ये लिपस्टिक ट्रांसफर प्रूफ हो जाती है। और इसके ऊपर भी यूज दिस ग्लॉस एड, मुझे ग्लॉस लगाना पसंद नहीं है बट या लेट्स ट्राई इट। एज यू कैन सी ग्लॉस स्टिकी नहीं है एंड बहुत अच्छी क्वालिटी है, लाइक 150 में इतना अच्छा ग्लॉस, एंड आई रियली लाइक इट। इज द लिपस्टिक बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं हो रही है, मतलब स्मच प्रूफ है। दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू ऑल इंजॉय दिस वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल रही हो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सो डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन, वी आर वेरी क्लोज टू 1K सब्सक्राइबर्स। एंड आपको नेक्स्ट क्या देखना है तो कॉमेंट में आप मुझे बताओ, मैं श्योरली वो वीडियो बनाऊंगी। सो या, see you in the next video, bye!